कृषि कानूनों के विरोध में करीब डेढ़ माह से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को समर्थन मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में होडल 24C ने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर पलवल में बैठे किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए निकले। इस दौरान उनका होडल पहुंचने पर किसानों ने जोरदार स्वागत किया। बावन पालों के जेलदार अरुण सोरौत ने कहा कि ये सरकार तानाशाही सरकार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा तो अब 24C के साथ साथ बावन पालों से भी किसान आंदोलन में आने की तैयारी कर रहे हैं और 24C बावन पालों से हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर निकलेंगे और 26 जनवरी दिल्ली में मनाएंगे। ये हटो जो हमारा आंदोलन का संघर्ष पॉइंट बना हुआ है, हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वहाँ जा रहे हैं। पूरा सौंध गांव और 24C के साथी भी साथ में है। सौंध गांव से 100-200 ट्रैक्टर इकट्ठा जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली किसान को समर्थन देने के लिए। तो ये जैसे कई बार हो चुकी है, वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार किसानों के धैर्य को परीक्षा ना ले, अगर किसानों का धैर्य टूट गया तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। तो आज कितने लोगों का काफिला है और कौन कौन से गाँव के 24 का है या कितनी पाल यहाँ पर जा रही है? मुख्यतः आज सौंध में वैसे तो इलाके की सभी सरदारी है, 24 की सरदारी है, लेकिन सौंध गांव से स्पेशली आज ट्रैक्टरों का स्पेशल काफिला आज निकला है और वो मावे बॉर्डर में बताना चाहता है। इसी तरह से हर गांव से रोज काफिले निकलेंगे 24 में से। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कई वार्ताओं में कृषि कानूनों को रद्द न होने से अब होडल 24C ने हुंकार भरी है और किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में बावन पालों के अरुण जेलदार की अगुवाई में किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर पलवल में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए निकले, जिससे लगता है कि अब ये किसान आंदोलन और मजबूत होता दिखाई दे रहा है और हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।